बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हालिया बाबर आजम पाकिस्तान के माया नाज कप्तान वर्ल्ड क्लास नंबर 1 हज करने के लिए गए और हज करने के बाद अल्लाह पाक ने उनको वो सलाहियत अता कर दी है कि जितना मर्जी बदतमीज घटिया तरीन रिपोर्टर हो, शुएब जट जैसा हो या कोई और रिपोर्टर हो, बाबर आजम ने फैसला किया है कि उन्होंने काम रहना है। आप देखिए कि बाबर आजम हज करके आए हैं, पूरा पाकिस्तान उनकी तारीफ कर रहा है और सबको पसंद है, इंडिया समेत। अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछे गए। आप ज़रा ये क्लिप पूरा देखिए। पहले उनसे कुछ जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे, बड़े अच्छे सवाल थे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम क्या करेंगे, अब देखिए क्रिकेट कैसे तेज़ हो गया आपने। उसके बाद बारी आती है शुएब जट की। उस बंदे ने जो कि एक तासुब पसंद एक शख्स ऐसा है जिसकी हमेशा कोशिश रही है कि मैं चमचा बनूं या मोहम्मद आमिर का, चले कारतूसों का, हर वो शख्स, इसने कम से कम भी ये 10वां इसका सवाल है कि बाबर आजम तुम कप्तानी छोड़ो, कभी वो फलाने को कप्तान बना, कभी फलाने को, फलाने को, फलाने को कप्तान बना। इस शख्स ने घटियापन की इंतहा की बाबर आजम से सवाल किया और उस बंदे को अल्लाह पाक ने इतनी आजिज़ी अदा की है कि उसने अपने मनसब का ख्याल रखते हुए उसको बड़े ही पोलाइट अंदाज में उस बदतमीज को इतना ज़बरदस्त जवाब दिया कि उम्मीद है दोबारा वो उसकी कप्तानी छुड़वाने का सवाल नहीं करेगा। याद रखिए, ये 10वां क्वेश्चन है इसका बाबर आजम से और हर दफ़ा की बात है कि आप कप्तानी क्यों नहीं छोड़े, कप्तानी क्यों नहीं छोड़े। ये आप पूरा क्लिप देखिएगा, पहले साफियों ने पूछा, फिर इस बदतमीज ने पूछा और इसको बाबर ने क्या जवाब दिया, देखिए जरा। बाबर, सीजन शुरू हो रहा है जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी क्रिकेट खेल ली है और सबसे अहम वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में जाहिर इंडिया जाने का फैसला हुकूमत ही करेगी, लेकिन खिलाड़ी कितनी जहनी तौर पर तैयार है कि इस सीजन में वर्ल्ड कप खेलना है, इंडिया जाना है और स्पेशली अहमदाबाद में वो मैच खेलना है जो बड़ा क्रूशल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और बिल्कुल काफ़ी एक्साइटेड है। कुछ ब्रेक के बाद दोबारा हमारी क्रिकेट स्टार्ट हो रही है और काफ़ी एक्साइटेड है सारे प्लेयर्स हैं। और जैसे आपने देखा कि पहले भी कैंप लगा था लाहौर में और यहाँ पे भी हमने चौथा दिन है हमारा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसको यूटिलाइज़ किया जाए। बिल्कुल एज अ टीम हम हर क्रिकेट के लिए तैयार हैं और कोशिश हमारी है कि जहाँ भी क्रिकेट हो, जहाँ पे वर्ल्ड कप है, उसके लिए सारे रेडी हो रहे हैं। और आपने देखा होगा सारे जो है उस पर फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख लें इसके बाद बैक टू बैक क्रिकेट है, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है और हर एक बंदा एक्साइटेड है। ओके बाबर, जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़। सबसे पहले तो आपको हज की मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को शर्बे कबूलियत बख्शे। क्वेश्चन रिलेटेड ये है कि श्रीलंका का टूर जाहिर है कि आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है और टेस्टिंग भी है, अपकमिंग जो आ रहे हैं मेगा इवेंट्स, उनके लिए आप क्या समझते हैं कि आपके कम्बिनेशन को चेक करने का एक बेहतरीन मौका होगा और क्या ये सीरीज आपके लिए जो है बैटिंग और बॉलिंग दोनों जो है उसके लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशन होंगी? थैंक यू। लास्ट टाइम भी हम श्रीलंका गए थे, काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशन थी, लेकिन उसमें यह था कि काफ़ी अच्छा हमने डोमिनेट किया था, जिस तरह गोल्फ की जो ग्राउंड थी जहाँ पे हमारे मैच हुए थे दो, तो उसमें हमने 350 प्लस चेस किया था, तो थोड़ी कंडीशंस का पता है। और यहाँ पे भी उसी कंडीशंस को सामने रखते हुए हमने प्रैक्टिस किया और कोशिश ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और जो पास में मिस्टेक्स हुई हैं उससे सीखा है, कहाँ हमने और बेहतरी करनी है और कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं उसको मजीद अच्छा करना है। बाबर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। रिसेंटली पिछले हम देख रहे हैं जिस तरह इंग्लैंड ने ट्रेंड चेंज किया है कि टेस्ट क्रिकेट कैसी खेली जाती है, यहाँ भी ऑब्जर्व किया कि मुख्तलिफ वैराइटीज ऑफ शॉट्स आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान टेस्ट टीम भी रन बनाने की रफ्तार, जिसको हम बेसबॉल भी कहते हैं, बट ऑफकोर्स बेसबॉल अगर ना 6 के एवरेज से ना खेले, स्ट्राइक रेट से 4-4.5 के स्ट्राइक रेट से खेले और एग्रेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड मैच की तरफ जाए कि चाहे आइदर वे हो रिजल्ट, बट रिजल्ट और ड्रॉ ना हो, तो क्या हम अपनी अप्रोच टेस्ट क्रिकेट में वाली ला सकते हैं जो जिस तरह की इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया भी खेलने लग गया है?
देखिए अप्रोच हमेशा एज अ टीम और एज अ कप्तान यही होती है कि हमने मैच जीतना है, रिजल्ट हमेशा यही होता है कि रिजल्ट आए। हर टीम का अपना माइंडसेट होता है, हर टीम अपने तरीके से खेलती है और कोशिश यही होती है कि जो हमारी बेस्ट गेम है उसको अप्लाई किया जाए। और जहाँ तक रही बात है हर टीम का, देखें उन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है और बाकी टीमें भी जो हैं वो अपने सेटअप के साथ या अपने जो उनकी गेम है उसी तरह से खेल रहे हैं। और जिस तरह हमने गोल्फ में, जिस तरह फॉर एग्जांपल गोल्फ में हमने 360 जो चेज़ किया वो अपनी गेम के साथ ही किया। और बिल्कुल इस चीज़ में होता है कि कभी कभार आप 3 या 4 के रन रेट से भी खेलते हैं, कभी कभार आपको थोड़ा सा डिफेंसिव भी खेलना पड़ता है, तो वो हीट ऑफ द मोमेंट सिचुएशन जो रिक्वायर्ड होती है, जो टीम को रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से आप खेलते हैं। बिल्कुल हर दिन आप सीखते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं कि नई चीज़ ऐड करें। अच्छा बाबर, श्रीलंका की जो क्रिकेटिंग कंडीशंस होती हैं बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, वो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा, तो उसके लिहाज से आपने कोई खास अपनी को प्लानिंग की है? प्लानिंग हर बारी होती है, हर टूवर्स में होती है। और प्लानिंग बिल्कुल क्योंकि हमारे पास जो वहाँ पे जो हम मैचेस खेले हैं वो उसका हमें एक्सपीरियंस है, और दूसरा मिकी आतर भी वहाँ के कोच रहे हैं तो उनसे भी फीडबैक लेंगे कि वो कहाँ वहाँ की कंडीशंस क्या और बेहतर उसमें हम कैसे अच्छा खेल सकते हैं और कैसे हम डोमिनेट कर सकते हैं, तो इस पे हम काम कर रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। हर प्लेयर उसी तरह से ही प्रैक्टिस कर रहा है, फास्ट बॉलर वैसे ही उस तरह जहाँ वहाँ रिक्वायर्ड है लाइन टू लाइन, तो वो चीज़ वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैट्समैन मोस्टली आपको पता है वहाँ पे स्पिनर डोमिनेट करते हैं, विकेट थोड़ा सा स्लो होता है, मैं स्पेशली गोल्फ की बात कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाबर आपको हज की मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको बार बार ये बार बार सादत दे के आप हज पे जाएं। मेरा सवाल ये है कि अगर हम आखिरी एक साल देख लें, जब आप श्रीलंका से टकराएंगे तो एक साल हो चुका होगा, इस दौरान हमने 9 मैचेस खेले, सिर्फ एक विक्ट्री हमें श्रीलंका के खिलाफ मिली, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो समझते हैं कि पाकिस्तान जीत नहीं पा रहा, अल्लाह करे कि अब आप जा रहे हैं वहाँ पर विक्ट्री मिले, अगर खुदा ना खास्ता हम ये सीरीज हाथ से जाती है तो आप गौर करेंगे कि आप कप्तानी किसी और को सौंप दें? अगर हम नहीं जीत पा रहे, मुसलसल एक साल नहीं जीत पा रहे, तो फिर कप्तानी का भी तो फॉल्ट हो सकता है। बिल्कुल देखें, जो अगर पास की बात करें, बिल्कुल हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली इसलिए मैच नहीं जीते, थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस थी क्योंकि कुछ इंजरीज की वजह से हम थोड़ा सा लैग किए, क्योंकि जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे तो आप मैच ही नहीं जीतेंगे। और वहाँ पे सीरीज ड्रॉ हुई थी, हारे नहीं थे, इंशाल्लाह इस बार ही कोशिश करेंगे कि जीतें। और जहाँ तक रही आप कप्तानी की बात करें, मेरे ख्याल से जो मेरा बेस्ट है वो मैं दे रहा हूँ और ये डिसीजन पीसीबी का है, तो आप ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर उनसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा वो जवाब दे देंगे आपको। अच्छा आपने देखा कैसे बाबर आजम ने जबरदस्त अंदाज में इस बदतमीज को जवाब दिया। असल में इसका मसला क्या है? इसका मसला ये है कि ये पहले कहता था सरफराज को हटाया, आप कराची वालों के खिलाफ एक तासुब रखते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि जिस बंदे के चले हुए कारतूस की परफॉर्मेंस, आज धोनी को देख ले आप, धोनी ने चेन्नई सुपर किंग को फिर चैंपियन बनवाया और सारे उसे कह रहे हैं कि भाई तू क्यों छोड़कर गया है, 42 साल का तो हो गया, तेरा जादू टूट क्यों नहीं रहा, तू कैसे नंबर वन है? ये है धोनी का कमाल। आप सरफराज को कंपेयर कर लें, आपको ये बता दीजिए सरफराज की परफॉर्मेंस, इक्का दुक्का परफॉर्मेंस के अलावा आप बता दें कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है एज अ प्लेयर, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही। जाहिर सी बात है उसने मैचेस हरवाए, नाकाम वो एक कप्तान रहा, उसने अच्छी परफॉर्मेंस जब तक दी सबने कहा, लेकिन जाती तौर पर उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और इस सूरत हाल में जब उसने परफॉर्मेंस डिक्लाइन आया तो उसको बाहर निकाल दिया गया। और आप देख लें कि सिर्फ रमीज राजा के दौर के अंदर बाबर आजम को कप्तानी से बनाया गया, सारा माफिया उसके खिलाफ है, सारा माफिया उसके खिलाफ है। और उस लड़के को अल्लाह पाक ने इज्जत इतनी दी है कि वो काम डाउन रहकर इनको जवाब देता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।